नमस्कार किसान भाइयों, ये हमारा वही वाला प्लाट है जिसमें ये बीच में गेहूं था और पाली पे मक्का थी। क्या हम आपको एक किसान से मिलवाते हैं जिन्होंने ये बिना जुताई किए नो टिल फार्मिंग में कपास की खेती करी और बीच में 3 लाइन सोयाबीन की लगाई है। हाँ भैया, अगर आप बताओ हमको इसमें कि यहाँ पे क्या था पहले और कैसा कर रहा है इसमें। ये पहले कौन सी फसल थी इसमें? गेहूँ और मक्का साथ में, यहाँ बीच में गेहूँ था, बीच में गेहूँ थे और पाल पे 2 लाइन मक्का, 2 लाइन मक्का ड्रिप डाल के। ड्रिप डाल के ये मक्का के ये मक्का के ठूट अभी भी हैं, ये इसमें छतरी उग गई है। ये मशरूम इसमें ये ना तो ड्रिप उठवाई ना तो हाल रोटावेटर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उन्होंने निंदाई करी अभी तक कहीं भी नहीं। ये केवल 5G कपास ग्लाइफोसेट चीटी इसमें, और ये अभी ये सोयाबीन वो है 3-4। ये कपास की हाइट देखो कितना जोरदार कपास हो रहा है ये मेरे पीछे। 2 स्प्रे हुए कार्टन के, 2 स्प्रे हुए हैं बिना खर्चे की खेती, ना तो हलाई ना तो जुताई ना तो ड्रिप उठवाई। और पहले भी इसमें दो फसल थी, पहले भी इसमें दो फसल थी, ढाल में गेहूँ और पाल पे मक्का। ये ढाल में गेहूँ थे और पाल पे मक्का थी जिसका वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस बार गेहूँ का प्रोडक्शन तो फेल था, कम निकले, बाकी मक्का अच्छी निकली। मक्का अच्छी निकली, अगर केवल गेहूँ गेहूँ रहते तो अपन घाटे में रहते। गेहूँ रहते तो घाटे में रहते, उसमें गेहूँ इस साल पके नहीं, और मक्का रही तो ये फायदा रही तो मक्का अच्छी निकल गई। ऐसे ही इसमें अभी 3-4 सोयाबीन है। ये कितने दिन के हो गए सोयाबीन? सोयाबीन अभी 8 दिन, 8 दिन के सोयाबीन हो गए। और कपास की हाइट, या कपास कितने दिन का हो गया होगा? 1.5 महीने, 26-27 महीने। और आज का तारीख हो गई? आज हो गई होगी, आज भी जुलाई हो गई होगी, 25 जुलाई के लगभग। 2 महीने हो गया, ये आज तारीख है अपनी 26 जुलाई। बिना खाद का कपास है, बिना खाद अभी तक खाद पानी कहीं नहीं, ये भी पोटास कहीं नहीं, केवल एकड़ का आधी बोरी यूरिया छोड़ा है, इसके अलावा कहीं नहीं। देख लो, अगर उसको बढ़ाना रहता है तो खाद देते हैं, बढ़ाना थोड़ी उसको। अभी ये 3-4 सोयाबीन में, सोयाबीन कितने दिन की हो गई? 8 दिन, 8 दिन की सोयाबीन है और 2 महीने का काटन, काटन है इतना शानदार काटन है बस। और ना तो जुताई कराई ना तो हलाई कराई, कहीं भी नहीं, निंदाई भी नहीं, निंदाई भी नहीं। ये देख लो, आप बोलते हैं कि बिना हलाई जुताई क्या मायने रखते हैं, अब इसका प्रोडक्शन क्या निकलेगा? वहाँ केंचुए निकलेंगे, केचुए की संख्या बढ़ गई बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि अपन वो सब अटाला सड़ गया है, अभी तो अटाला कहीं भी नहीं दिख रहा है। हाँ, ये पूरा सब बायोमास हो रही है, तो सब वो तुम्हारा बायोमास पूरा सड़ सुड़ा के अंदर चले गए। ये देखो, ये इधर का भी चांस बता देते हैं, ये एक नंबर है, तीनों चांस एक जैसे दिख रहे हैं। सोयाबीन है, काटन को धीरे चलाना है तो सोयाबीन ऊपर आएगा। ये डबल फसल, ये क्या क्या दूरी क्या होगी इसकी? 2 ही चांस, 7 फीट। और ये तीफन से बेलो द्वारा बोया गया, बेलो से। देख लो इतनी बढ़िया खेती हो रही है बिना जुताई की खेती, और 2-2 फीट पर काटन लगा है, 2-2 फीट पर काटन लगा दिया। काटन की चाल भी अच्छी चल रही है एकदम, इधर तो और ज़्यादा है, वो धड़ में ज़्यादा है, इधर ठीक है, वो ज़्यादा चल अपने को होना भी नहीं, सोया भी नहीं। ये बहुत शानदार कपास भी, और इसका जो प्रोडक्शन निकलेगा अपन बताए, इस पर जो काटन निकलेगा बस वही चलाना है, इसका ज़्यादा खर्चा करना नहीं उसमें। मतलब कम खर्चे में जो भी निकल जाए, वो भी निकल जाए, काटन को कल इसका लाना है, इससे ज़्यादा नहीं लाना है, बिना खर्चे में 2-2 फसल। और वो जमीन की, जमीन तैयार हो रही है, एक ले रही है एक दे रही है। हाँ, जमीन रोटेशन एक ही बार में हो रहा है। और ये सब बायोमास भी यही सड़ेगा, जुताई होगी ना तो कार्बन भी नहीं उड़ेगा जमीन का। देख लो इतनी बढ़िया खेती हो रही है, अब इसका जो प्रोडक्शन निकलेगा वो भी टाइम टाइम पे हम चैनल पे डाल के बताते रहेंगे। कपास छोटा रहेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा। ये बहुत शानदार, ये देखो अभी सोयाबीन 15 दिन बाद लीवो से मारी जाएगी काटन। अब ये कहीं कहीं चांस दिख नहीं रहे, कहीं कहीं अभी उग रहा है, आप काटन को रोक देंगे 15 रोज बाद, लीवो से मारी के रुक जाएगा, फिर उसके बाद बीमारी भी नहीं आएगी। लीवो से मारने के बाद वैसे ही पत्ते मोटे हो जाते हैं, जेड़े हो जाते हैं, घेटे पास पास लगेंगे, घेटे का साइज बढ़ जाएगा, पूरी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब बड़े झाड़ में जो क्वांटिटी घेटों की रहती है वो क्वांटिटी अपने छोटे झाड़ में लग जाएगी। लियो से अपन कहाँ पे खड़े हैं, क्या एरिया का नाम और अपना नाम बताओ? खरगोन मोमिनपुरा, योगेश रघुवंशी, खरगोन मोमिनपुरा में खेत है, देवली रोड पे, ये देवली रोड मेन रोड पे, रोड पे खेत, कोई भी आके देख सकता है। ये बहुत ज़ोरदार खेती लगी मेरे को। ये काटन को रोकेंगे अपन 15 रोज बाद, इसको अपने हिसाब से चलाएंगे, ऐसा उसके हिसाब से चलेगा तो सोयाबीन फेल हो जाएगी। हाँ, तो काटन को रोकना है तो उसको अपन खाद देंगे नहीं, तो वैसे ही धीरे चलेगा, और फिर भी अपन उसको धीरे चलाएंगे तो प्रोडक्शन जो काटन में आएगा वो इसमें ज़्यादा आएगा। हवा खाता देगा, चारी तरफ से बीमारी कम आएगी।
अब लोग खूब बकर घेरते हैं काटन में, खूब ट्रैक्टर दौड़ाते हैं। अभी बकर भी नहीं करे क्या मतलब आप जड़े करते हैं जितना आप देते हैं उसकी जमीन की पौधे की जड़े करते हैं, प्रोडक्शन कम आता है। अब देखो इस बार क्या प्रोडक्शन आता है ये सब टाइम टाइम खासे दे रहे हैं कि ज़्यादा बेटे माल और माल लगने पर काटन लाल पड़ जाते हैं। उसके आधी जड़े तो अपने हाथ घेर घेर के पहले ही खत्म कर देते हैं। हाँ बखर घेर के सब जड़े काट पीट देते। अब इतनी बड़े कपास में लोग आग गिरते हैं तो आधी जड़ तो खत्म हो रही है, उसकी कुछ भी मजबूती तो कम हो रही थी। तो मकान बना उसके चारों तरफ गड्ढा कर देंगे तभी पानी भरा आएगा गिरेगा कि ये माल पकड़ने के बाद भी लाल पड़े। कुछ इसको अपन रोकेंगे तो रोकने से इसकी जड़ें जो है वो ज्यादा फैलेंगी, नीचे नीचे मजबूती आएगी। जो सी मारी झा रुका तो सब चीज उसकी क्या हो जाएगी, पास पास हो जाएगी, पूरी पास घेटे बड़े हो जाएंगे, जड़ नीचे ज्यादा लंबी हो जाएगी, मजबूती हो जाएगी, तो माल पकड़ने के बाद बैठेगा नहीं। और आगे भी चलेगा, प्रोडक्शन लंबा देगा, मतलब नवंबर दिसंबर चला करेगा। मतलब आगे भी अपनी यही प्लानिंग है बिना जुताई की खेती करो, इसमें देखो कार्बन बढ़ाओ परसेंटेज। मैं तो इसमें हल्दी पकड़ने भी नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मक्का ऐसे ही लगेगी, काटन की पुट्टी हो जाएगी, मक्का बो जाएगी, फिर वो हल्दी। चलो आगे भी अपन